खाना छोड़ के खो भला वीर नुआ के नाना छोड़ के खो भला वीर नुआ गे शहीद कर बना करूं जिसे बिना दरार है वो बदअमल है बदनसीब उसी पे बेशुमार है अरे वो दुश्मन आजा अरे वो दुश्मन बिना अरे वो दुश्मन सलाम करता हूँ और कहीं भी अलम पागाजी का नजर आए उस घर को भी मैं झुककर सलाम करता हूँ। पूछ कैसे कोई शाय मशरकैन बना बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल मिले हैं जब ये नसर तो फिर हुसैन बना اليوم العداوة هي إلى يوم الدين
जनाबे सैयदा बुलंदर Love it, y'all.
जिसकी जरूरत हमें हर वक्त हो उसको
हुसैन वो मजलूम हैं कि जिनको उम्मत ने सैयद शहदा समझ कर नहीं नवासे रसूल समझ कर किया था। यही था इन लोगों के दिमागों में यही बात थी कि रसूल किराम किराम की कोई औलाद नहीं है, पाक पैगंबर का कोई बेटा नहीं है, इनके बाद दीन को मिटा देंगे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अपने इस बेटे के मुतल्लिक, अपने इस अजीम नवासा के मुतल्लिक ये फरमाकर हुसैन मिन्नी माना मिन हुसैन कहकर लोगों को बता दिया, याद रखो मुझे मिटाना है तो फिर हुसैन को भी मिटाना पड़ेगा। हम हुसैन को याद इसलिए करते हैं कि हुसैन कोई आम बादशाह नहीं, हुसैन दीन का महाफिज है। ऐसा हुसैन कि जब इसी हुसैन का बीमार बेटा इमाम सज्जाद यजीद लाइन के दरबार में जाता है, तवज्जो से सुनिएगा, यजीद ने अपने खतीब को हुक्म दिया, चढ़ो मिंबर पर, अली और औलाद अली के बारे में बुरा कहो। ये खतीब मिंबर पे चढ़ता है, अपने लफ्ज़ियात को शुरू करता है। अभी चंद बातें की थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ खतीब उसको खामोश हो जा, तू खालिक को नाराज कर रहा है, मखलूक को खुश कर रहा है। ऐ यजीद मुझे इजाजत दे, ये अदब है इमाम का, क्योंकि दरबार जो उसी का है, तो उससे पूछ रहे हैं इमाम, यजीद मुझे इजाजत दे मैं इस लकड़ियों के ढांचे पे सवार होकर। अच्छा यहां पर एक बड़ी अजीम बात है, इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं मिंबर पे सवार होकर कुछ कहना चाहता हूं, बल्कि कहा मैं इस लकड़ियों के ढांचे पे सवार होकर। मतलब यह है कि जिस मिंबर का ताल्लुक रसूल कायनात के साथ हो वो मुकद्दस होता है, और जो रसूल के खिलाफ जाए वो फकत लकड़ियों का ढांचा होता है। तो इमाम ने फरमाया मुझे इजाजत दो मैं कोई ऐसी बात करूं कि सामईन के लिए इसमें फायदा हो और अल्लाह की रजा हो। यजीद ने इनकार किया, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन जो दरबार में लोग थे, रिवायत के जुमले हैं, उन लोगों ने कहा यजीद ये शख्स बीमार मालूम होता है, जरा इसके कपड़े तो देखो फटे पुराने हैं, इसकी हालत तो देखो ये लागर है, ये क्या हमें बात कर सकेगा, दे दो इजाजत इसको। कहते हैं फजीलत वही होती है कि जिसका दुश्मन भी एतराफ करे। यजीद ने कहा तुम्हें पता नहीं है ये बज़ाहिर बीमार है, लेकिन अगर ये इस ढांचे पे सवार हो गया तो बनू मैया की धज्जियां उड़ा देगा। रिवायत के जुमले हैं कि यजीद ने मजबूर होकर इमाम सज्जाद को कहा ठीक है जो कुछ कहना है कहिए। इमाम सज्जाद जब उस लकड़ियों के ढांचे पे सवार हो गए, इमाम ने जुमला फरमाया मन आरफनी फकत आरफनी, अय्युन्नास लोगो जो मुझे पहचानता है पहचानता है, जो नहीं पहचानना सुन लो आना इब्नु रसूलिल्लाह, मैं फर्जंद रसूल खुदा हूँ, आना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब, मैं फर्जंद अली हूँ। फिर फरमाया आना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फर्जंद फातिमा ज़हरा हूँ। फिर फरमाया आना इब्नु ज़मज़म, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ। आना इब्नु मक्का वल मीना, लोगों में मक्का का फर्जंद हूँ, मैं मीना का फर्जंद हूँ। इमाम बताना ये चाहते हैं कि इस यजीद ने हमारे साथ जो कुछ किया, इसने हमें रसूल के बाद लावारिस समझ कर किया हमारे साथ। याद रखो हम कोई मामूली नहीं हैं, हम तो मक्का के वारिस हैं, हम तो मीना के वारिस हैं, हम तो सब मरवा के वारिस हैं, हम तो जमजम के वारिस हैं, हम कोई मामूली नहीं हैं। मैं रसूल कायनात का नवासा हूँ, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। ये जब तारुफ करवाया ना सैयद सज्जाद ने, तारीख के जुमले हैं कि दरबार में जो कुछ लोग थे सब लोग हैरान हो गया, कहा ये क्या हो गया, यजीद तो कह रहा था ये कोई बागी है, यजीद तो कह रहा था कि मेरी हुकूमत के कोई खिलाफ है जिसके मैंने कत्ल किया।
ये तो कोई रसूल की औलाद नजर आती है, ये तो कोई मामूली लोग नजर नहीं आते। सुनोगे, यजीद ने मुअज्जिन को कहा, मुअज्जिन चलो आज़ान दो। इमाम सज्जाद के खुतबे को रोकने के लिए मुअज्जिन को कहा गया, लेकिन देखिए इमाम सज्जाद ने मौका को ऐसे ऐसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जैसे हकीम करते हैं। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा मेरे जिस्म का हर हर जर्रा यही गवाही देता है कि अल्लाह अकबर है। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने भी जुमला दोहराया, बेशक मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अब जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ मुखातब होकर फरमाया, ऐ यजीद बता ये जिसकी नबुव्वत की गवाही अदान में दिलवा रहे हो, बताओ ये तुम्हारे जद थे या मेरे जद थे। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे जद थे तो तुम काफिर हो जाओगे, तुम मिल्लत इस्लाम से निकल जाओगे। लेकिन ऐ यजीद बता, अगर जिसकी गवाही अदान में दिलवाई है अगर ये हुसैन के जद थे तो फिर ये बता हुसैन को शहीद क्यों करवाया। ये इनकलाबी जुमले हैं। अकाइन के याद करने का मकसद यही है कि हम सैयदुश्शहदा और सैयदुश्शहदा के मकसद को याद कर रहे हैं। क्या वजह थी क्यों शहीद हुए सैयदुश्शहदा? इसलिए सैयदुश्शहदा के बारे में गैरों ने भी यही कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, के हुसैन शाह है, हुसैन शाहों के भी शाह हैं, हुसैन दीन है, हुसैन मुहाफिज़ दीन है, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद। हुसैन ने अपना सर तो कटा दिया लेकिन बैत के लिए हाथ को न बढ़ाया, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कि अगर हुसैन न होते तो आज कोई कलमा पढ़ने वाला भी ना होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मकसद सैयदुश्शहदा को समझें, आलम को मकसद सैयदुश्शहदा बताएं। याद रखो, दुनिया से फतह वही पाएगा, दुनिया में कामयाब वही होगा, वही बंदा आखिर में नारा लगाएगा फुस्तो रब्बिल काबा, जो हुसैनी होकर मरेगा, जो हुसैन की सीरत को छोड़ेगा। इसके अलावा हुसैन की सीरत के अलावा फकत यजीदी सीरत बचती है। जियो अली अली करके, मरो हुसैन हुसैन करके। दुनिया के जितनी भी तहरीक होते ना उसको खत्म करने वास्ते त्रै ताकत लाख बच्चा तहरीक खत्म होते, हुकूमत की ताकत, परेश की ताकत, मुल्ला की जबान की ताकत, उसकी ताकत, ये जिस तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल होवे उस तहरीक का नाम निशान मिट जाता। आजादारी सैयद शहदा मिटावन की खातिर हुकूमत दियाँ फौजा लग गई, ताकतें मुक गई, परेश जंग अलूदा हो गए, सुबाना से जंग लग गया, हुकूमत के पास हो गई, 500 साल मेहनत करके आराम नाल बैठे सड़क के गलिया च मातम करने वाली जनाब ज़ैनब के अगर यकीन करो बम सौखे बाजार में जाओ, बम सौखा बाजार अबूर करना है, आओ पुछना उस बीती जिससे हर किसी करना
हसन अच्छा है, जवान हसन हुसैन अच्छा, बीबी आदि हुसैन ये जेडे है ना, मैं गवाही देनी हूं, मैं इन दी शिफात करे सा मैं मेरे आजादार हैं, आजादारो जब मजलिस मुख बेंदी मातम करो मेरा नु चाट के आदि हुसैन दास इन को मेरी चादर मैं दरबार से बाजार से